गुड मॉर्निंग येलकम टू साइंस क्लास यस्टडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इंटरडिपेंडेंस ऑफ बायोटिक एंड ए बायोटिक कंपोनेट्स होप सो आपने रीड किया होगा बुक से और समझा होगा बिफोर स्टार्टिंग अवर टॉपिक क्लोज यइज एंड स्टार थिंकिंग अबाउट योर फेवरेट स्वीट डिश सोच रहे हैं सभी गुड सो हेयर इज डिलीशियस खीर फॉर यू दिस इज माई फेवरेट स्वीट डिश आपकी भी यही है कुछ बच्चों की तो होगी हैव यू सीन योर मदर कुकिंग खीर इन द किचन क्या आपने हेल्प भी की है ममा की खीर बनाते हुए कभी तो आपको पता होगा बनती कैसे है इन्ग्रेडिएट्स जो हमें चाहिए खीर बनाने से पहले वन लीटर फुल क्रीम मिल्क हाफ कप बासमती राइस थ्री फोर्थ कप शुगर थ्री फोर कार्टम इलायची क्रस्ट ट्वेंटी फाइव टू थर्टी रेसिस् किशमिश हम और ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं जो हमें पसंद हो वी हैव टू एड राइस इन बॉइलिंग मिल्क सिमर एंड कुक राइस ऑन ए लो फ्लेम नो नीड टू कवर द पैन वेन द राइस इज कुकिंग कुक द राइस ग्रेन्स ट दे आर हाफ कुन एड शुगर एज रिक्वायर्ड एंड एड अदर इन्ग्रीडियंट्स ऑल्सो मेक्स दैम वेल खीर इज रेडी चलो ये तो थी खीर की रेसिपी है ना ये आपने मामा से भी सीख लेनी कैसे बनती है और अब इसको कोरिलेट करते हैं हम साइंस से खीर बनाने के लिए हमें कुछ इन्ग्रीडियंट्स चाहिए थे वैसे ही प्लांट्स प्रोड्यूसर होते हैं उनको रॉ मेटीरियल चाहिए होता है फोटोसिंथेसिस के लिए ठीक है जिससे वो क्या बना देते हैं ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन गैस रिलीज हो जाती है जो रेस्पिरेशन में यूज करते हैं ग्लूकोज मेन फूड मेटीरियल विच इज कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन गैस इज रिलीज नाउ द रॉ मेटीरियल आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वॉटर दीज आर नो ये चीजें रिएक्ट करेंगे ओके और बनेगा क्या ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन तो ये बन जाएगा प्रोडक्ट ये एरोस एरो सेपरेट करता है एक इक्वेशन में रिएक्टेंट को प्रोडक्ट से और ये भी बताता है arrow है एरो कि किस तरफ इक्वेशन मूव कर रही है रिएक्शन हो रहा है ठीक है अब क्लियर हो गया रिएक्टेंट्स विल बी कन्वर्टेड टू द प्रोडक्ट्स कंडीशंस फॉर द रिएक्शन आर सनलाइट एंड क्लोरोफिल डियर चिल्ड्रन होप सो अब आपको बायोटिक का जो फर्स्ट कंपोनेंट है प्रोड्यूसर्स प्लांट्स ये क्लियर हो गया होगा ग्रीन प्लांट्स विच प्रपेयर देयर ओन फूड आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स ये हमने कल भी पढ़ा था और इनको ऑटोट्रॉफ्स भी कहते हैं क्योंकि ये अपना फूड खुद बनाते हैं एनर्जी कहाँ से लेते हैं सन से ओके इट इज़ वेरी क्लियर फ्रॉम द डायग्राम ऑल्सो अब अगर प्लांट्स ने फूड प्रिपेयर कर लिया प्रोड्यूसर्स ने प्रोड्यूस कर लिया फ़ूड तो कोई तो होगा जो उसको कंज्यूम भी करेगा उसको खाएगा भी

फूड मीन्स जो अपने फूड के लिए दूसरों पे डिपेंड करते हैं ऑल एनिमल्स फीड ऑन ग्रीन प्लांट्स आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एनिमल्स लाइक कैटल एंड गो डायरेक्टली ईट प्लांट्स लाइक ग्रास एंड फॉटम दे आर कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर्स और हबीवोर्स इसका मतलब हुआ जो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं या हवी हैं वो डायरेक्टली या तो प्लांट्स को खा लेंगे जैसे लीव्स वगैरह और या तो फिर उनके प्रोडक्ट्स पे डिपेंड करेंगे जैसे फ्रूट्स हो गए नट्स हो गए ये सब चीज़ें है ना तो हम क्या समझे अब तक हरवी का मीनिंग कंज्यूमर दैट इट्स प्लांट्स एंड देयर प्रोडक्ट्स दो हरवी बोर्स अब कुछ ऐसे एनिमल्स भी होंगे जो हल्बी नहीं होंगे लाइक टाइगर एंड लैंड इन अदर बर्ड्स दे हंट एंड ईट कैटल गोट एटसेट्रा सच कंज्यूमर्स दैट फीड ऑन प्लांट्स इनडायरेक्टली आर कॉल्ड सेकेंडरी कंज्यूमर्स और कार्निवोर्स। दोज कंज्यूमर्स दैट ईट्स एनिमल्स देर फ्लैश दोज आर कार्निवोर्स। ह्यूमन बींग्स दोनों कैटेगरी में आते हैं when they consume plants and plant products they fall under the category of primary consumers whereas when they consume meat fish etc they fall under the category of secondary consumers अब हम एक बार रिकैप्युलेट कर लेते हैं कि आज हमने क्या-क्या सीखा स्टार्टिंग में हमने रेसिपी से की, की क्यों क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट समझना था रॉ मटेरियल्स का जैसे वहाँ इंग्रेडिएंट्स थे प्लांट्स को भी रॉ मटेरियल्स चाहिए फूड प्रेपरेशन के लिए तो वो हो गए प्रोड्यूसर्स फिर हमने कंज्यूमर्स के बारे में सीखा जो प्लांट्स पे डिपेंड करेंगे उन्हें हम प्राइमरी कंज्यूमर्स या हारविवर्स कहेंगे और जो एनिमल्स पर डिपेंड करेंगे उनके मीट पर उनके फ्लैश पर उनको हम कार्निवोर्स कहेंगे या सेकेंडरी कंज्यूमर्स और जो ह्यूमन बींग्स हैं वो प्लांट प्रोडक्ट्स भी खाते हैं एनिमल प्रोडक्ट्स भी खाते हैं एंड मीट फ्लैश एग ये सब चीज़ें भी खाते हैं दैट्स वाई दोनों कैटेगरी में आएंगे और जो ऐसे होते हैं उनको क्या कहेंगे हम ऑमनी वोड्स ओके तो आपने पेज नंबर टू और थ्री की रीडिंग करनी है आज अच्छे से समझना है इनको रिटर्न होमवर्क आज नहीं है आपने अंडरलाइन करने हैं ये वर्ड्स और उनके मीनिंग्स जो आपकी बुक में दिए हैं ओके होप सो आपको समझ आया होगा हैव अ नाइस डे थैंक यू फॉर वॉचिंग बेटा